अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है रहीम और आप देख रहे हैं YouTube चैनल जीम ट्यूब। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हम बगैर ईमेल एड्रेस के और बगैर फोन नंबर के कैसे फेसबुक का अकाउंट बना सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल, ये मुमकिन है, आप बगैर ईमेल एड्रेस के और बगैर फोन नंबर के फेसबुक का अकाउंट बना सकते हैं। तो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर अभी तक आपने मेरा YouTube चैनल जीएम ट्यूब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप उसको सब्सक्राइब करें। उससे फ़ायदा ये होगा कि जब भी मेरी कोई नई वीडियो आएगी तो सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और अगर आप फेसबुक पर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो के ऊपर आपको एक लिंक नज़र आएगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जा सकते हो। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। उसके लिए हम सबसे पहले गूगल क्रोम खोल लेते हैं और गूगल क्रोम खोलने के बाद हमने लिखना है 10 मिनट्स मेल। हमने क्या लिखना है? 10 मिनट्स मेल। आप गूगल में डायरेक्ट जाके भी ये लिख सकते हैं। 10 मिनट्स मेल लिखने के बाद आपको जो सेकंड नंबर नज़र आ रहा है इस पर क्लिक करना है। ये ऑटोमेटिक हमारे लिए एक ईमेल जनरेट करेगा। आप देख सकते हैं हमारा एक ईमेल ऑटोमेटिक बन गया है। अभी हमें इसको कॉपी करना है, तो कॉपी करने के लिए इस पर एक दबा के क्लिक करना है और इसको यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद हमने ये तीन डॉट पे क्लिक करना है और प्लस पे क्लिक करके हमने नया पेज खोलना है। नया पेज खोलने के बाद हमने फेसबुक खोलना है। उसके बाद क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करना है। तो क्रिएट न्यू अकाउंट और इसके बाद फर्स्ट नेम, तो मैं अपना नाम डाल लेता हूँ। जैसा मेरा नाम है रहीम, तो मैं रहीम नाम डाल लेता हूँ। आप कोई भी नाम डाल सकते हैं। और लास्ट नेम में मैं खान डाल लेता हूँ और नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, अपना तारीख पैदाइश डालना है, तो मैं डालता हूँ जुलाई। और कोई भी आप डाल सकते हो, मगर आपका एज 16 साल से ऊपर होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद अभी मांग रहा है मोबाइल नंबर और ईमेल। तो ईमेल हमने वहाँ से जो ईमेल एड्रेस कॉपी किया था वहाँ वो यहाँ पेस्ट करना है। पेस्ट करके नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अभी मेल फीमेल, तो अगर आप फीमेल है तो फीमेल मत डालें, अगर मेल है तो मेल। मैं तो मेल हो तो मेल पे क्लिक करता हूँ नेक्स्ट। उसके बाद पासवर्ड, तो पासवर्ड आप 6 वर्ड्स का कोई भी पासवर्ड डाल सकते हैं, तो मैं पाकिस्तान पासवर्ड डाल लेता हूँ। और इसके बाद नेक्स्ट। नेक्स्ट के बाद अभी ओके पर क्लिक करना है। ओके के बाद क्रोम ब्राउज़र सेलेक्ट करना है, तो क्रोम अभी आगे जाएगा। ये अभी ये मांगता है एंटर 5 डिजिट कोड फ्रॉम योर ईमेल। तो मुझे वहाँ वो वेबसाइट में वापस जाना है, वहाँ ईमेल एड्रेस आया होगा जहाँ से ऑटोमेटिक ईमेल एड्रेस जनरेट हुआ था। वहाँ एक कन्फर्मेशन मैसेज आया है, आप देख सकते हैं नीचे 64017। तो मुझे वहाँ फेसबुक में ये कोड देना है। तो आप देख सकते हैं अभी मुझे वो कोड डालना है 64017 और कंफर्म करना है। मेरा ईमेल एड्रेस कंफर्म हो गया है। मुझे अभी क्रोम फिर से सेलेक्ट करना है। अभी फोन नंबर मांग रहा है तो इसकी ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट नेक्स्ट पर क्लिक कर सकते हैं नेक्स्ट। और एड पिक्चर, आपका प्रोफाइल पिक्चर, आप कोई भी पिक्चर डाल सकते हैं, नहीं तो ऐसा भी नेक्स्ट पर क्लिक कर सकते हैं। मैं एक प्रोफाइल पिक्चर डाल लेता हूँ, तो प्रोफाइल पिक्चर कोई भी मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। मैं ये वाला जीएम वाला मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप कोई भी प्रोफाइल पिक्चर सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका आईडी अपने नाम से है और आप अपने नंबर से अपने नाम से आईडी बनाना चाहते हैं तो अपना तस्वीर डालें। अगर आप फेक आईडी बना रहे हैं तो आप किसी और का भी डाल सकते हैं, नहीं तो नहीं भी डालोगे तो कोई ज़रूरी नहीं है। अभी क्रोम पर क्लिक करना है, तो मेरे फेसबुक आईडी बन गई है। उसके बाद हमने क्या, मुझे
इसके बाद मैंने क्या करना है कि मैं अभी फेसबुक के एप्लीकेशन से इसको चेक करूंगा कि ये उस पर काम कर रही है कि नहीं कर रही है। तो इसके लिए मुझे फेसबुक खोलना है, और फेसबुक खोलने के बाद ईमेल अर्पुन में मुझे वो ईमेल जो वहाँ से कॉपी किया था वो यहाँ पेस्ट करना है, और पासवर्ड में जो मैंने पासवर्ड वहाँ दिया था पाकिस्तान, तो मैं वही पासवर्ड यहाँ डाल लेता हूँ। और पासवर्ड डालने के बाद लॉगिन पर क्लिक करता हूँ, अब ये लॉगिन हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये लॉगिन हो गया है। तो दोस्तों, आप इसी तरह से इजी तरीक़ा से बग़ैर ईमेल एड्रेस के और बग़ैर फ़ोन नंबर के फेसबुक अकाउंट बना सकते हैं। और ये 10 मिनट का जो आपको ईमेल नज़र आता था पहले, वो 10 मिनट के लिए सिर्फ ईमेल बन गया। आपका जो फेसबुक अकाउंट है वो लाइफ टाइम आप यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मेरा यूट्यूब चैनल GMTube को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।